जी हाँ फ्रेंड, वेडिंग वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर किस तरह आपको शादी वीडियो बनानी है मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट ग्रीन स्क्रीन के अंदर। ठीक है, विदाउट ग्रीन स्क्रीन का आपको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह 3D इफेक्ट बनाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने फ़ोटो से किस तरह आपको वीडियो बनानी है, और आप चाहें तो वीडियो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो से भी मतलब वीडियो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ उसके अंदर। आपको थोड़ा सा फ़ोटो लूँगा मैं, और थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो लूँगा, और वीडियो और फोटो ऐड करके दोनों आपको तरीके बता दूंगा। ठीक है, किस तरह आपको एडिट करना है, चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वीडियो ब्राउजर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर हम ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि पर्सनल बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, वैसे भी आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करना है फोटो का। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम अपने जो हमारे जो पर्सनल फोटो हैं, शादी के फोटो हैं या अपने खुद के फोटो हैं, ठीक है, तो हम इन फोटो को ऐड करके आपको दिखाने वाले हैं वीडियो बनाकर एक। ठीक है, यहाँ पर आपको 3D इफेक्ट इन फोटो से 3D इफेक्ट आपको किस तरह मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अलग फोटो ऐड कर लेता हूँ, और फिर वहाँ पर जाकर फिर वही फोटो ऐड करता हूँ। ठीक है, मीडिया से आपको फोटो ऐड करने होंगे। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर मैं मीडिया से फोटो ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड, और आप भी फोटो उस तरह से ऐड करेंगे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको फोटो ऐड करके दिखा रहा हूँ उसमें। ठीक है, इस तरह से आपको ऐड करने हैं, तो मैं अब बस अब मैं इस थोड़ा आपको स्टॉप करके वीडियो का और आपको फोटो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड हमने वीडियो जो फोटो है हमारे वो ऐड हो गए हैं वीडियो के अंदर। अब मैं हम एक वीडियो ऐड करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं वीडियो यहाँ पर यहीं से ऐड करूँगा मीडिया ब्राउजर से। आपको इस समय लेयर का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं इस समय। ठीक है, आपको टोटली इसके अंदर मैं जो मीडिया ब्राउजर है उसी का इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वीडियो मेरे पास है, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, जो कि मेरे के मतलब नॉर्मल वीडियो है वैसी ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाली वीडियो मैंने ऐड कर ली है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी वीडियो। तो ये कुछ इस प्रकार है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम है मैं इसको जीरो कर देता हूँ, और ये इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम मतलब थोड़ा सा जूम। ठीक है, ये मैंने जूम इसको फुल स्क्रीन पर कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इतने स्क्रीन में कर लिया है जूम, और आप देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो थोड़ा सा ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आपको इस तरह इसमें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को कट करने वाला हूँ, मैं इसकी जो बिल्कुल जीरो आवाज़ कर दी है मैंने, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ फ्रेंड, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर दिया, यहाँ से मैंने कट करने वाला एक सेकेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं फ़ोटो को मैं थोड़ा सा आया करके कट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा देर नहीं कट करूँगा, तो यहाँ से थोड़ा कोई नहीं, यहाँ से कोई बात नहीं, मैं कट नहीं कर रहा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने का। ठीक है, 4-5 मिनट की वीडियो कम से कम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये भी। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पीछे से कट कर लिया है, आगे से नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, शुरू में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइमलाइन आपको दिख रही होगी काफ़ी, एक कितने सेकंड की है, 5 सेकंड की, 6 सेकंड की, मान लीजिए 6 सेकंड की है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करना है 3D वाले ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह आपको दिख जाएगा ये। तो जो आपको जैसे पसंद आएगा इसके हिसाब से आप इसमें टाइमलाइन अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर तो क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये अपना ऐड कर देंगे। ठीक है, जो आपको मतलब पसंद आता है वो इफेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी इफेक्ट है, मैं आपको सभी इफेक्ट दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको यहीं पर क्लिक करना है, इस वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर जो व्हाइट बॉक्स आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, इसी पर क्लिक करेंगे आपको तभी आप बेहतर तरीके से इसमें इफेक्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी अच्छे इफेक्ट है इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छे तरह कर सकते हैं विदाउट ग्रीन स्क्रीन के, कोई ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी कुछ नहीं करना, तो आपको सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही रखना है, अपने फ़ोटो से ही अपनी वीडियो से भी यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा इसी तरह से इफेक्ट डाल के, ये फोटो में इफेक्ट डाल रहा हूँ उस समय में फ्रेंड। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको फ़ोटो में इफेक्ट इस तरह डाल रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से।
कोई इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपको, बस इस तरह से ये यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाला, जिसमें मैंने लाल वाला आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे छोड़ यहाँ पर छोड़िया दिखा रही है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपसे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब आपको अलग अलग तरीके से आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट है आपको मिल जाएंगे फ्रेंड, तो जो आपको पसंद आएगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगेगा वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सब इसमें ऐड करके, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से एडिटिंग सीख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसमें, बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो एडिट करना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा, आपको उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यही आपको 3D इफेक्ट आपको ऑटोमेटिकली इसमें मतलब ये करने होंगे, ठीक है, ये आपको जो अब ये वाली वीडियो आप इस पर फोटो पे क्लिक करके ये आपको यहाँ से जैसे कि आपको सिंगल मतलब एक जैसे स्टार्ट पोजिशन का अलग है और एंड पोजिशन इसका अलग है, ठीक है, एंड पोजिशन आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है और स्टार्ट पोजिशन यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको दोनों दिखाई दे रहा, और आपको दोनों सेम रखने हैं तो दोनों पर क्लिक कर देंगे तो आप दोनों का आपको सेम हो जाएगा, और आपको नहीं रखना तो आप अलग अलग रखेंगे, ठीक है, तो हम अलग अलग रखना है, हमें सेम नहीं करना, ठीक है, सेम करेंगे तो जो मतलब एडिटिंग होगी ना हमारी बढ़िया एडिटिंग नहीं हो पाएगी, तो आप इसलिए अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइम लाइन आपको यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ ये 3D में आपको ये मिल गया फोटो, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टाइम यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये देख लीजिए, तो यहाँ पर मैं फोटो ऐड करके दिखाने वाला हूँ दूसरा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फ़ोटो ऐड करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मुझे ये सही नहीं लगा तो मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस इसमें और इसमें देख लेता हूँ कौन कौन से अच्छे हैं इसमें, तो यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो मैं वापस एक इस वाले में जाता हूँ और एक यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, ठीक है ये भी ठीक है, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है ये भी, और यहाँ पर मैं फिर और चेक कर लेता हूँ अच्छी तरह से जो मुझे अच्छे लगेंगे वो यहाँ पर ऐड करूँगा मैं, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड ये भी बढ़िया था, और यहाँ पर मैं और दूसरे देख लेता हूँ कौन कौन से हैं इसके अंदर बढ़िया जो यहाँ पर मुझे सूट करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला भी काफ़ी बेहतरीन है और मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मुझे, अभी देख लीजिए हमारी फ्रेंड ये वीडियो हमारी ऐड इसके अंदर ऐड हो गई है, ये हमारी वीडियो इसके अंदर आ गई है, यानी कि हमारी वीडियो इसमें ऐड हो गई, हमारी वीडियो इसके अंदर आ गई है, और मैं यहाँ पर आपको ये वाला टाइम लाइन दे देता हूँ, ठीक है हल्का सा मैंने उसका टाइम बढ़ा दिया, ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ठीक है इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे वीडियो को थोड़ा जगह जगह से, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है और यहाँ पे भी इसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको स्प्लिट कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको स्प्लिट कर देता हूँ फ्रेंड, और यहाँ पे भी इसको स्प्लिट कर देता हूँ, तो मतलब आपको यहाँ जगह जगह स्प्लिट करना, अगर वीडियो आपको बनानी है मतलब आपको वीडियो बनानी है और आप फोटो से काम फोटो से बनाने तो फोटो, ठीक है वीडियो बनानी है आपको तो वीडियो में जगह जगह आपको वही करना आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है स्प्लिट कर देना, और यहाँ पर आपको ग्राफिक में आके और यहाँ पर अपने फोल्डर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको लिखना है जो भी आप नाम अपना डाल सकते हैं अपने वेडिंग नाम या फिर अपना खुद का नाम या फिर और भी कुछ जैसे आपको चाहिए, ठीक है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, तो मैं दूसरा देख लेता हूँ चेक करके और आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं नाम ऐड कर देता हूँ दूसरा कोई भी नाम, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है तो मैं इस चैनल का नाम अपना ऐड कर देता हूँ, ठीक है मैंने ये नाम ऐड कर दिया इसके अंदर और आपको दिख जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए ये नाम भी मेरा ऐड हो गया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले बॉक्स में फिर क्लिक करना है इसमें जो आपको इस वो कर देना है इसको यहाँ बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर इसके अंदर 3D इफेक्ट फिर ऐड कर देना है, ठीक है ये लास्ट में 3D इफेक्ट में ऐड कर देंगे और इस पर फोटो पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर अगर हम वीडियो में ये जो वीडियो हमारी है अगर हम इस वीडियो में इफेक्ट डालते हैं तब की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं तो आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है वाइट वाइट आपको इसी में 3D इफेक्ट डालना होगा, ठीक है ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके अंदर डालेंगे आप तो बेहतरीन आपको इफेक्ट मिल जाएगा, और अब इसके अंदर खुद के अंदर इसके अंदर भी डालना चाहते हैं तो क्लिप ग्राफिक लिखा हुआ तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस प्रकार ये ट्रेन वाला आ गया है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है
तो यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, बॉक्स वाले आपके ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। बॉक्स वाले बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया हैं, आप देख रहे होंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उस पर क्लिक, और यहाँ पर लास्ट वाले पर उस पर क्लिक, और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लिक, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ पर। पहले मैं ये बॉक्स वाले फुल कर लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स वाले में मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इसको क्लिक करके फिर यहाँ पर इसको और स्प्लिट इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, और यहाँ जाके और इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट कर दिया, और फिर इस वाले में भी जाके इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्लिप करेंगे, और यहाँ पर फिर, और यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आएगा वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, और मैं इस बारे में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों में ऐड कर रहा हूँ उस समय। ये आपको टाइटल्स वगैरह ये पावरफुल आपको दो इसमें ऑप्शन मिलेंगे ज़्यादातर बढ़िया, ठीक है। आपको ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं वही नाम अपना जो है मेरा, ठीक है, ठीक है। ये हमने नाम ऐड कर दिया इसके अंदर, और आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डन कर दिया, और इस पे आके फिर यहाँ पे इस पे ही, और आपको उसे नाउन जैसे जैसे आपको रखना है वैसे आप रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कौन कौन से मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से, और भी आप इसमें इफेक्ट पा सकते हैं जैसे आपको चाहिए होंगे वैसे। यहाँ से गेट मोर करके और भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डाउनलोड नहीं किया है इस समय, अभी कोई भी डाउनलोड नहीं किया है। तो यहाँ पर इस वाला लास्ट वाले में और इफेक्ट डाल देता हूँ मैं इसके अंदर कोई भी इफेक्ट, जैसे कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिले हैं, तो मैं यहाँ से एक इफेक्ट डाल देता हूँ फिर ये वाला, ठीक है। ये वाला मैंने इफेक्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, और मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ हमारी वीडियो कैसी बनी है, और आपको समझ में तो फ्रेंड आ गया होगा। जो फिल्म जो भी समझ में आता है कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, तो बहुत ही आसान है आपको ये, मैंने लास्ट वाला बॉक्स भी भर दिया और ये भी आपको कर दिया, ठीक है। तो मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ वीडियो में, और फ्रेंड हम एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं कि हमने इसमें गाने का कोई प्रयोग नहीं किया है। आप गाने का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं ऐड, ठीक है, गाना ऑडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको ऑडियो ऐड करनी है यहाँ पर गाने आ जाएंगे, तो यहाँ पर ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ एक गाना ऐड करके। तो यहाँ पर मैंने यार ऐड कर दिया प्लस, ठीक है, प्लस पर करना आपको ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देख लीजिए ऐड हो गया, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, डिलीट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो प्ले कर लेते हैं फ्रेंड। मालूम है कि बिना गाने के मज़ा नहीं आता, कोई भी चीज़ हम अगर गाने के साथ इफेक्ट लाते हैं तो वही बेहतरीन आपको इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइम लाइन अपने हिसाब से फोटो की कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूर नहीं आपको 5 सेकंड का रखना है, 2 सेकंड 1 सेकंड का भी फोटो हम रख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लंबे लंबे हैं, कोई बात नहीं, हम तो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो इसमें और भी बेहतर इफेक्ट मिल जाएंगे आपको सीखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। और भी बेहतर सीखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और आपको सब सिखाते रहेंगे, सब आपको वीडियो एडिटिंग सिखा देंगे। इसी तरह से आप शादी की वीडियो एडिट कर सकते हैं, और इसी तरह से नॉर्मल वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास कि आपको शादी की वीडियो एड करेंगे, बिल्कुल आप नॉर्मल वीडियो भी एडिट कर सकते हैं अपने यूट्यूब के लिए। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब के लिए अपने खुद की वीडियो बना सकते हैं, और आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं अपने वीडियो बनाने के लिए, तो आप स्टेटस बनाने के लिए यहाँ से अपना बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो ऐड करेंगे और इस तरह से फोटो ऐड करके यहाँ पे स्टेटस बना सकते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट है आपको यहाँ पर। तो मैं और अभी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पर 3 सेकंड 3 मिनट की वीडियो है, मैं पूरी प्ले कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए फ्रेंड, 3 इफेक्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, ये एक हमारी एक वीडियो है जो हमने ऐड की है और आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारी फ़ोटो की बनी हुई है, ये मैंने कंप्यूटर से बनाई है, और आप चाहते हैं इस तरह वीडियो सीखने के लिए तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियो भी आपको बना के बता सकता हूँ कहाँ से मैंने बनाई है और किस ऐप से मैंने ये बनाई है, ठीक है। ये देख लीजिए फ्रेंड, ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है जो मैंने इसका यूज किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट आपको मिल गया है, और काफ़ी अच्छी एडिटिंग आपको मिल जाती है इसके अंदर सीखने के लिए।
तो यहाँ पर ये देख लीजिए फ्रेंड, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, इतनी हमने बस बनाई है और इसके आगे हमारे सब वैसी वीडियो है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये वीडियो बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज़, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और आप ऐप्स लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको ऐप्स लिंक मिलेगा उसके नीचे एक वीडियो रहेगी ऐप्स लिंक डाउनलोड करने का तरीका, ठीक है, उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपसे आपसे ऐप्स डाउनलोड नहीं होता है तो उस वीडियो को देख कर डाउनलोड करना सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको वहाँ पर नीचे और भी लिंक मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो वहाँ पर सब देख सकते हैं। आपको जो पसंद आएगा वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड।